चैप्टर वन के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के जरिए हम कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस और सिंबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेजरमेंट्स के अंदर एरर क्या होता है, मेजरमेंट एक्यूरेट कब होती है, प्रिसाइज कब होती है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी क्या होती है। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा सकता है और इंटरनेशनली साइंटिफिक नोटेशन यूज की जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं। साइंटिफिक नोटेशन के दो रूल्स हैं। फर्स्ट कि हम उस नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखें और दूसरा रूल ये है कि लेफ्ट ऑफ डेसिमल वन डिजिट होना चाहिए, वन डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 500 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसको पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। हम इसको पावर ऑफ 10 में 50 इंटू 10 करके भी लिख सकते हैं और 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन रूल नंबर 2 के मुताबिक वन डिजिट होना चाहिए लेफ्ट ऑफ डेसिमल। तो पहले केस में लेफ्ट ऑफ डेसिमल 1, 2 डिजिट्स हैं, इसलिए ये सही साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। सही साइंटिफिक नोटेशन में दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट ऑफ डेसिमल 1 डिजिट है। तो इन दोनों रूल्स को हम सेटिस्फाई करते हैं तो हमारी करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन आती है। इसके अलावा 10 की जो पावर होती है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो उसका यह फायदा होता है कि हम किसी नंबर को का स्केल मुतय्यन कर सकते हैं कि वो नंबर कितना बड़ा है, या हम दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं उनके सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को देखते हुए। जिन नंबर का एक ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब होता है वो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपस में एक ही स्केल पे हैं। और अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फर्क हो, वन डिजिट का फर्क हो, टू डिजिट का फर्क हो, इसका मतलब होता है कि वो क्वांटिटीज एक दूसरे से बहुत बड़ी हैं या बहुत छोटी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक की मार्जिन में बहुत बहुत सारी चीज़ों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से उनको कंपेयर किया गया, उनका स्केल कंपेयर किया गया है। जिसमें एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सूरज का मास किलोग्राम्स में 10 रेज टू पावर 30 किलोग्राम्स होता है और दूसरे एक्सट्रीम पे इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है जो 10 रेज टू पावर माइनस 30 किलोग्राम्स होता है। तो हम इनके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देख के बता सकते हैं कि ये क्वान्टिटीज आपस में कितनी मुख्तलिफ हैं। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्जिन्स में क्वान्टिटीज दी हुई हैं, उनकी अमाउंट्स दी गई हैं, ये हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी क्योंकि उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आए हुए हैं। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इनसे रिलेटेड, साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। इन साइंटिफिक नोटेशन 0.00023 इज एक्सप्रेस्ड एज, अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें लेफ्ट ऑफ डेसिमल एक डिजिट चाहिए, यानी हम डेसिमल को 2 के बाद लेके आना चाहते हैं। तो हम 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर हम डेसिमल को 1, 2, 3, 4 डिजिट्स जंप कर रहे हैं। और इसका एक रूल होता है कि अगर आप डेसिमल को राइट पे लेके आ रहे हैं, जितने प्लेसेस आप जंप करते हैं वो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बन जाता है, जो कि हमारे केस में 4 है। और अगर आप इसको राइट पे डेसिमल को मूव करें तो वो नेगेटिव होता है, अगर आप इसको लेफ्ट पे मूव करें तो वो पॉजिटिव होता है। तो ये एक ट्रिक है। इसके अलावा और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है। इसके मुताबिक हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। हमें ये पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिहाज से कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, जिसका मैं आपको पिछली साइड में बता चुकी हूँ। तो इन चारों ऑप्शंस में कुछ गलत साइंटिफिक नोटेशन दी गई हैं, जैसे ए ऑप्शन में लेफ्ट ऑफ डेसिमल 2 डिजिट्स हैं तो ये गलत है। इसी तरह सी टेक्निकली गलत है क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 3 के बराबर ये क्वांटिटी नहीं है, और डी भी गलत है क्योंकि इसमें पॉजिटिव पावर दी गई है और ये एक छोटा नंबर है जिसकी पावर -4 है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी है। एज ऑफ द यूनिवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁻¹⁷, ये अब हमारी बुक के मार्जिन में से एक सवाल दिया गया है। डायमीटर ऑफ एन एटम इज मेजर्ड इन मीटर्स इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻¹⁰। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चीज़ों को लिखते हैं तो हमें बार बार इंटू 10⁻²² या इंटू 10⁻³ इस तरह करके लिखना पड़ता है, जो कि हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए इन कुछ साइंटिफिक नोटेशंस जो कि बहुत ज़्यादा अकर करती हैं, उनको उनके लिए हमने सिंबल्स बना दिए हैं। जैसे 10⁻²² का सिंबल सी है, 10⁻³ का सिंबल के है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ एक रेंज में जो ये सिंबल्स हैं ये हमें याद होने चाहिए और ये हमारी बुक में भी दिए गए हैं। तो हम इनको वन बाय वन जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या सिंबल्स होते हैं और इनके क्या साइंटिफिक नोटेशन है। डेसी जो है ये बेसिकली ग्रीक काउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। डेसी 10⁻²² के बराबर होता है और इसका सिंबल डी होता है। सेंटी 10⁻⁴ ये -1 के बराबर होता है, -1 डेसी
सेंटी बराबर होता है 10^-2 के, जो कि सी है। इसी तरह मिली जो है वो, अब मैं सिर्फ पावर्स लिख रही हूँ, मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पीको -12, -15 और -18। और इनके जो सिंबल्स हैं वो इनके फर्स्ट लेटर्स होते हैं, मिली एम, माइक्रो चूंकि एम मिली के लिए यूज हो गया इसलिए माइक्रो के लिए एक स्पेशल सिंबल है, इसके अलावा बाकी सबके फर्स्ट लेटर्स नैनो, पीको, फेमटो और एटो। और 0 से बड़े जो नंबर हैं उनमें डेका 10^1 होता है, या 10 किलो, 10^3। अब मैं सिर्फ पावर्स लिख रही हूँ, मेगा 6, 9, टेरा 12, पीटा 15 और एग्जा 18। ये 10 की पावर्स हों तो ये उनके लिए ये सिंबल्स यूज होते हैं। इनके सिंबल्स इनका फर्स्ट फर्स्ट लेटर है बट मगर कैपिटल, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। और किलो के लिए डिफरेंट है जो कि छोटा के होता है, और डेका के लिए डीए होता है। डेका और किलो के अलावा इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल जो है वो इनके सिंबल्स होते हैं। इसकी ये ट्रिक है कि जो बड़े नंबर्स हैं, जो 0 से बड़े नंबर हैं, ग्रेटर देन 0 नंबर हैं, उन वो हमेशा ए पे एंड हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर किलो। किलो तो हमें वैसे ही पता होता है ये ए पे एंड हो रहे हैं, और जो नंबर्स हैं जो कि लेस देन 0 हैं ये सब आई या ओ पे एंड हो रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है इनको याद रखने के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सिंबल्स और प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए। अब हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। प्रीफिक्स एटो स्टैंड्स फॉर 10^-18, हमने अभी देखा। फेमटो स्टैंड्स फॉर -15। विच सेट ऑफ प्रीफिक्सेस गिव्स वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब अगर हमें ये पता है कि ये किसके बराबर है तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। पीको मेगा, पीको मेगा से मेगा बड़ा है तो ठीक है, मेगा के बाद किलो लिखा हुआ है, किलो मेगा से छोटा है तो ये ऑर्डर असेंडिंग नहीं है। पीको के बाद माइक्रो इससे बड़ा है, मेगा माइक्रो से बड़ा है और गीगा मेगा से बड़ा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है। इसके अलावा वैसे तो एक ही आंसर होता है, बहरहाल टेरा के बाद पीको लिखा हुआ है जो कि डिसेंडिंग है, गीगा के बाद किलो लिखा हुआ है जो कि डिसेंडिंग है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यूनिट्स इंडिकेट करने के कुछ असूल हैं, मसलन अगर यूनिट न्यूटन है तो उसका फर्स्ट लेटर छोटा लिखा जाता है, सिंबल उसका कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब 10^3 m² नहीं है, बल्कि 10^6 m² है, क्योंकि किलो होता है 10^3 और उसको फिर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 10^6 बन जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास 10^-12 हमने लिखना है तो हम इसको माइक्रो माइक्रो दो दफा नहीं लिख सकते, ये गलत है, हमें इसकी जगह पी यूज करना पड़ेगा, पीको। अब हम देखते हैं एरर्स को। कोई भी हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि उसमें कोई ना कोई गलती होगी, और हम उस गलती का जायजा लेना चाहते हैं, उसकी वजूहात मालूम करना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक से ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं और फिर हम उन रीडिंग्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अगर वो रीडिंग्स एक पैटर्न बना रही हैं तो हम कहते हैं कि इसमें एरर है, वो सिस्टमैटिक एरर है। और अगर वो रीडिंग कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रही, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, और एक रीडिंग दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हम उसको रैंडम, हम कहते हैं कि इसमें रैंडम एरर है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पहले से सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर की कुछ वजूहात मालूम है, तो जब हम कैटेगराइज कर लेते हैं तो फिर हम उन वजूहात पे जा सकते हैं। मसलन सिस्टमैटिक एरर होता है फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से। अगर मेरे पास एक मशीन है, वजन करने की मशीन है, और वो सबका वजन आधा किलो ज्यादा करके बताती है, तो सब लोग कहते हैं कि हाँ मेरा भी वजन आधा करके बता रही है, आधा किलो ज्यादा करके बता रही है, यकीनन मशीन में मसला है। इसके अलावा सिस्टमेटिक एरर की वजह हो सकती है कि हमारा मेथड फॉल्टी है, हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं मगर हमारा तरीका ठीक नहीं है। मसलन मैं टेम्परेचर मेजर कर रही हूँ और मैं थर्मामीटर को सही फासले पे नहीं रख रही उस चीज से, उसको दूर रख रही हूँ, तो मेरे पास एक ऑफसेट आएगा रीडिंग में नोन क्वांटिटी से, और वो सब रीडिंग्स में होगा, तो वो इस वजह से, क्योंकि मेरा मेथड ठीक नहीं है। तो इन दोनों केसेस में मैं फॉल्टी इक्विपमेंट के केस में मैं 0 एरर करेक्शन कर सकती हूँ, फॉल्टी मेथड के तो केस में मैं मेथड करेक्ट कर सकती हूँ, इस एरर को हटाया जा सकता है। रैंडम एरर की क्या वजह होती है? एक वजह तो ये होती है कि जो क्वांटिटी मैं मेजर कर रही हूँ वो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है। मसलन अगर मैं टेम्परेचर मेजर कर रही हूँ कमरे का, तो वो नेचुरली ज़्यादा या कम हो सकता है, क्योंकि सूरज और हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, बादल है नहीं है, इन सारी चीज़ों से टेम्परेचर डिटर्मिन होता है, तो वो एक नेचुरली फ्लक्चुएटिंग चीज़ है, तो उसकी क्वांटिटीज, तो उसकी जो रीडिंग है अगर हम थोड़े ज़्यादा टाइम के बाद मेजर करें तो वो फ्लक्चुएटिंग ही होगी। इसके अलावा रैंडम एरर की अननोन रीजंस होती हैं, समझे, हमने टेम्परेचर
टेम्परेचर मेजर किया है लेकिन हमने कंट्रोल्ड रखा हुआ है उसको, लेकिन फिर भी रैंडम रीडिंग्स आ रही हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है किसी ने खिड़की खोल दी हो सकता है कमरे में कोई लोग कभी ज़्यादा आ जाएं कभी लोग चले जाएं, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, मगर वो अननोन रीज़न है, हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम उनको बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। हैं प्रिसिजन एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट को। प्रिसिजन जो है वो डिपेंड करती है हमारा जो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कैलिब्रेशन कितनी बारीक हुई हुई है। मसलन हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है और मैं इसको एक ऐसे फुट रूलर से नापती हूँ जिसकी कैलिब्रेशन 1 सेंटीमीटर के बीच में 1 मिलीमीटर के फासले पे हुई हुई है, तो मैं इसको एग्जैक्टली, ये 1.1 है, इसको एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि इसकी मेजरमेंट है 1.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इस मेजरमेंट में 1.1 जो है वो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके बारे में मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये ठीक है। 1.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये जो चीज़ है ये मेरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये डिपेंड करती है मेरे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इसका मतलब होता है कि मैंने एक रीडिंग दी 1.1, अब 1.1 का मुझे पक्का पता है कि ये ठीक है, मगर ये इससे 1 मिलीमीटर आगे पीछे हो सकती है, ये 1.2 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है। तो इस रेंज को जो है लीस्ट काउंट कहते हैं, इसको प्रिसिजन भी कहते हैं। जितनी ये रेंज छोटी होती है उतनी हमारी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होती है, जितनी हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी उतनी हमारी प्रिसिजन प्रिसाइज रीडिंग होगी। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जो चीज़ जो हमारी मेजरमेंट है वो नोन क्वांटिटी के जितने करीब है उतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। मसलन अगर हमारे पास एक आटे का थैला है, ठीक है, और मुझे पता है ये 1 किलो है और हम इसको मेजर करते हैं तो हमारे पास आता है 0.7 kg। अब 1 और 0.7 में 0.25 का फ़र्क है, ये जो 0.25 kg का फ़र्क है इसको कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और ये जितनी कम होगी उतना ही हमारी, हम असल रीडिंग के करीब होंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके साथ हम फर्स्ट चैप्टर के एंड पे पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच।